गाइस 3 साल पहले डिम्पू बरुआ भी ना गाइस इसी रास्ते से आया था, और गाइस इसी तरफ जाके ना इसी जगह के पीछे, इसी घर के पीछे, इसी मंदिर के पीछे गाइस जाकर वीडियो बनाया था। इतिया वाओ एआई होइसे ब्यूटी, एआई होइसे सौंदर्य दरंग जिल्लार। तो देख रहे हो गाइस रास्ता इतना सेक्सी है इसलिए ना गाइस मैं आता ही नहीं हूँ यार इस रास्ते तरफ। देख रहे हो गाइस यही है डिम्पू बरुआ का गांव। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि ठीक ही होंगे और ठीक ही होनी चाहिए। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं दोरोंग डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर, और आप सबको बताइए ऐसा भी यूट्यूबर जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है डिम्पू बरुआ, उनका गाँव देखने जा रहे हैं गाइस हम लोग। और सुना है गाइस उसी गाँव में ना बहुत ही बड़ा झील पार्क है, और सुना है कि असम के अंदर ही ना गाइस सबसे बड़ा झील है वो। तो आप लोग भी मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो चलो गाइस मिलते हैं मोटो ब्लॉग पर। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मजनूरा चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आ गया गाइस एक नई दिन और एक नई ब्लॉग के साथ। गाइस हेल्थ ज़्यादा ठीक है ही नहीं यार, फिर भी ब्लॉग बनाने आया आप सबके लिए। कल रात से गाइस पेट दर्द के लिए ना काफ़ी ज़्यादा परेशान था यार, काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मॉर्निंग में भी गैस थोड़ा सा दर्द हुआ ही था, फिर भी आया हूँ गैस ब्लॉग बनाने के लिए आप सबके लिए। अरे यार हॉर्न खराब के वजह से ना हॉर्न भी नहीं बजा पा रहा यार, मतलब बनाने के लिए ना गैस टाइम ही नहीं मिल रहा है, मतलब हॉर्न नहीं होने से ना गैस काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है यार। तो गैस मैंने आप सबको कहा ही था आज हम कहाँ जा रहे हैं बोलकर, मैंने आप सबको इंट्रो में ही बता दिया था आज हम जा रहे हैं दोरोंग डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर पर। एक काफ़ी ज़्यादा फेमस झील है गाइस, बहुत बड़ा झील असम के अंदर ही ना गाइस, बहुत ही बड़ा झील है वो। मैंने आप सबको और कहा ही था डिम्पू बरुआ का वो गांव है जो काफ़ी ज़रा फेमस यूट्यूबर है। तो गाइस चले देख के आते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा गाइस। और गाइस आप सबको पता ही है आज से ना फुटन गेट ओपन हो चुका है, आज से ना गाइस हम लोग उधर जा सकेंगे, मतलब ना फुटन में लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। तो सोच रहा हूँ गाइस बहुत ही जल्द ना फुटन गेट तक हमारा राइड भी होने वाला है, आशा करता हूँ गाइस जल्दी हो। और ना यार हॉर्न काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है यार, मतलब बनाया नहीं हूँ ना, टाइम ही नहीं मिला यार मैकेनिक के पास जाने के लिए, मतलब हॉर्न भी ना क्या हो गया पता नहीं, उस दिन धोया था तो पानी शायद भर गया होगा अंदर, इसलिए गाइस मतलब साउंड ही नहीं आ रहा हॉर्न से, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है यार हॉर्न नहीं होने से ना, मतलब साइज ही नहीं देते आगे से लोग, क्या ही बोलो आजकल के लोगों को सुनते ही नहीं है ना। मैंने आप सबको कहा था ना कि मैं इस रास्ते से ना ब्लॉग वीडियो नहीं बनाता था बोलकर, तो देख रहे हो गाइस रास्ता इतना सेक्सी है इसलिए ना गाइस मैं आता ही नहीं हूँ यार इस रास्ते तरफ, इतना बेकार रास्ता है ना क्या ही बोलो, ये कैसे बनाओ यार वीडियो ऐसे रास्ते में, मतलब धूला भी इतना होता है ना क्या ही बोलो यार, हेलमेट के बिना तो गाइस आ ही नहीं सकता ऐसे रोड पर सच में यार। देख रहे हो गाइस देख रहे हो क्या ही सेक्सी रोड है, इतना पत्थर बालू यार, यार हॉर्न नहीं है यार साइड देना कोई आ रहा है तो। और गाइस स्ट्राइक भी ना अभी तक नहीं हाथ रहा यार, और इतना दिन बचा है काफ़ी ज़्यादा दुख लग रहा है यार, बस मैं ना आप सबको दिखा नहीं रहा यार, वीडियो अपलोड करने से भी ना व्यू ही नहीं आ रहा, सिर्फ 100-200 यार ऐसे कैसे होगा यार, मतलब क्या ही बोलो नोटिफिकेशन ही नहीं जाता आप सबके पास स्ट्राइक लगने से, मुझे तो पता ही नहीं था, पर मुझे ये चांस दिए कि कम वीडियो अपलोड कर सक रहा हूँ यार गाइस में, किसी किसी का तो गाइस स्ट्राइक लगने से वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकता। रास्ता अगर अच्छा होता ना गाइस काफ़ी जल्दी ना पहुँच जाते हम लोग, पर क्या ही बोलो आप लोग देख रहे हो गाइस देख रहे हो कितना ख़तरनाक है रास्ता, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है यार, धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग क्योंकि ऐसे रास्ते पर कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कहीं स्लिप होकर गिर ना जाए, ऐसे ही दिन खराब चल रहा है यार, बीमार ठीक ही नहीं हो रहा। ए बकरी जी शायद दो यार हमें, नहीं तो लग जाएगा गलती से। अरे भैया शायद दो यार हमारी हॉर्न नहीं है यार, ये कौन है यार पुष्पराज है क्या लकड़ी चुराते हुए देख लिया यार पुष्पराज को लाइव
देख रहे हो गाइस, यही है डिम्पू बरुआ का गांव। देख सकते हो गाइस, खेतों से भरा है। इतना अच्छा गांव से बिलोंग करता है वो गाइस, देख सकते हो। मतलब वो भी ना सेम हमारे जैसे ही है। देख सकते हो गाइस व्यू, लोकेशन यार क्या ही खूबसूरत है। यही से ना गाइस बिलोंग करता है डिम्पू बरुआ। मेन गांव ना यही है डिम्पू बरुआ का। गाइस आते आते हमें ये दिखी यार, देख सकते हो गणेश जी। मतलब ना डर लगता है यार गाइस मुझे सच में सामने जाने के लिए, इसलिए ना ज़्यादा नहीं दिखे आप सबको। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हो यही है झील, और आगे देख सकते हो गेट, यही है गाइस। वेलकम टू लखीमपुर विलेज गाइस, देख सकते हो। आगे जाते हैं हम लोग थोड़ा सा अभी, देख सकते हो गाइस यही है। थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा गाइस आप सबको सब कुछ। यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यार गाइस, देख सकते हो। मतलब ना पैदल चल के घूमना मुश्किल ही है, इतना ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए ना गाइस सोचा बाइक लेके ही घूमते थोड़ा सा बोलकर। तो गाइस बाइक लेके ही ना थोड़ा सा देखते आगे जाके। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी झील के अंदर आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। थोड़ी देर बाद गाइस आप सबको सब कुछ जगह झील का अच्छी तरह से दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। मैं आप सबको बोलना चाहूँगा गाइस, 3 साल पहले डिम्पू बरुआ भी ना गाइस इसी रास्ते से आया था, और गाइस इसी तरफ जाके ना इसी जगह के पीछे, इसी घर के पीछे, इसी मंदिर के पीछे गाइस जाकर वीडियो बनाया था। मैं आप सबको उसका छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा। जी मास এই পুখুরিটোর পৰা ফ্রি পাও কারণ আমি এই পুখুরিটোর ভাগি হয় ভাগি আৰু এই পুখুরিটোই যিমান ভাগি আছে সকলোকে 5 কেজিকে বা এটা অনুপাতত মাছ ফ্রি দিয়ে যাতে দুখিয়া ধনী সকলোৱে উৰুকাৰ দিনা ভালদৰে এসাজ খাব পাৰে। কিমান ধুনীয়া এটা এতিয়া ওয়াও, এয়াই হৈছে বিউটি, এয়াই হৈছে সৌন্দৰ্য দৰং জিলাৰ। দেখ সকলো গাইছ এই যে না প্ৰৱেশ কিয়া থা ডিম্পু বৰুৱা, আৰু গাইছ ইধৰ গিয়া থা আপ লোক দেখানা চাহুঙ্গা ও জাগা গাইছ ইধৰ আয়া থা ও यही था गाइस वो जगह, यही था आप लोग देख सकते हो जहाँ से डिम्पू बरुआ भैया ने वीडियो बनाया था। यही है गाइस वो झील जिसके बारे में मैंने आप सबसे कहा था, ऐसा इसमें गाइस पुखुरी बोलता है। मतलब ना गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप लोग आकर ना खुद देख लीजिएगा, मतलब सुंदर भी बहुत है गाइस। गाइस इस झील का रहस्य तो हमें अच्छी तरह से पता है ही नहीं, बस सुना है कि यह काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और इसे ना गाइस मतलब पुराने ज़माने में ही ना राजा रानियों ने बनाया था, और गाइस आज तक ऐसे ही बन के रह गया। बहुत बड़ा सा झील देख सकते हो गाइस, इतना बड़ा है ना, और इस तरफ देख सकते हो व्यू, मतलब काफ़ी सुंदर है गाइस व्यू। अगर आप लोगों ने नहीं आया ना तो गाइस ज़रूर आइएगा, आप सबको ना गाइस ड्रोन व्यू में अच्छी तरह से दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। काफ़ी सुकून भरा प्लेस है गाइस, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और गाइस इस झील में ना मछली का भी पालन होता है, और इसका डेवलपमेंट ना गाइस इसी मछली को बेचकर किया जाता है, अभी जस्ट पता चला तो गाइस आप सबको बताया। तो गाइस आज का वीडियो यही तक था, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं दूसरे व्लॉग पर। द्वार